रुपए किलो ले लो आटा, गेहूं के बदले ले लो आटा, अगर पिसाई के पैसे ना हो तो लॉकडाउन के बाद दे देना। ऐसी आवाजें गूंज रही हैं इन दिनों कालीवाड़ी और सिकलापुर में, और वो भी यहां के पार्षद का चुनाव लड़ चुके सिकलापुर एरिया से जयप्रकाश राजपूत की। खुद अपने ठेले पर इलेक्ट्रॉनिक तराजू बाट लेकर चलते हैं, कई बोरी उनके ठेले पर आटा होता है और पूरी टीम गली गली इसी तरीके की आवाजें लगाते हुए निकलती है। जिनके पास गेहूं है वो गेहूं बदले में दे देते हैं और उसी बजट का आटा उनको मिल जाता है। किसी के पास अगर पिसाई के पैसे नहीं है तो जयप्रकाश राजपूत उससे पैसे नहीं लेते हैं। जयप्रकाश राजपूत ऐसे गरीब परिवार तबके के समाज सेवी हैं जिनको कालीबाड़ी और सिकलापुर इलाके में हाथों हाथ लिया जा रहा है। बदकिस्मती से पिछला चुनाव वो 100 वोटों से भी कम मतों से हार गए थे विनोद सैनी से, जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद वर्तमान में है सिकलापुर से। बहुत जुझारू व्यक्तित्व है जयप्रकाश राजपूत का, भले ही निर्धन परिवार से है लेकिन फेसबुक, ट्विटर हैंडल हो, चाहे नेट हो, चाहे मेल के माध्यम से जनता की आवाज हुक्मरानों तक पहुंचाने की बात रही हो, आयुष्मान भारत के तहत गरीबों को सुविधाएं ना मिले उसके लिए भी जयप्रकाश राजपूत संघर्ष करते रहे हैं, जनता की आवाज बनते रहे हैं। ऐसे राजपूत के ऊपर प्रस्तुत है हमारी ये खास स्टोरी। आप इस खबर को देखने के बाद खुद समझ जाएंगे कि इस गरीब परिवार से निकले नौजवान के अंदर किस कदर सेवा का जज्बा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गरीब ही गरीब का दर्द जानता है और मैं एक गरीब आदमी हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी के देश के नाम संबोधन जो उन्होंने किया था और उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति को अपने अपनी संभव द्वारा जो मदद कर सकता है वो मदद करे, इसलिए मैं पूरे एक महीना हो गया है और गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा जाकर मैं लोगों का आटा बदल रहा हूं। जो लोग व्यक्ति कंट्रोल से गेहूं लेके आते हैं और यहाँ कुछ हॉट स्पॉट के चक्कर में, जैसे हाजियापुर की चक्की बंद है इसलिए कुछ दुकानदार नाजायज फायदा उठा रहे हैं, जो 30 रुपए 32 रुपए किलो आटा बेच रहे हैं। हम मात्र पुराने गेहूं का आटा 23 रुपए किलो बेच रहे हैं। कितने रुपए किलो? 23 रुपए किलो आटा दे रहे हैं और साथ में 5 किलो आटा लेने वाले के लिए ये आधा किलो की थैली फ्री दी जा रही है। फ्री? फ्री, बिल्कुल फ्री। और मैं ये अभी देखिए यहाँ पर ये लोग हैं, ये गवाह हैं और इन लोगों के सामने पूरा कट्टा गेहूं का आटा बदल के दिया है। और जिस बेचारे व्यक्ति के पास जो जरूरतमंद थे, जिनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, कोई बात नहीं, जितना गेहूं देंगे उतना आटा दूंगा। ये आपने बोर्ड लगाया है यहाँ पर कि पिसाई के पैसे हो तो देना, ना हो तो मत देना। ये किन लोगों को दीजिए यार आपको आटा? जो भी व्यक्ति आए अगर वो हमसे कह रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है, जी आप हमें आटा दे दीजिए। जी जी, जितना भी वजन वो गेहूं लेके आ रहा है, ठीक उतना ही वजन का हम आटा दे रहे हैं। और गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर हम ये कर रहे हैं। ये पैरों में छाले पड़ गए हैं, चप्पलें साथ देखिए, ये चप्पलों में छेद हो गए हैं, लॉकडाउन के कारण दुकानें नहीं खुल रही हैं, लेकिन हम हर गली हर मोहल्ले में जा जाकर के जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद कर रहे हैं जो कर सकते हैं। धन्यवाद। क्योंकि हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर लिखा है नर की सेवा नारायण की सेवा है। आटा बदल लो गेहूं से, आटा गेहूं से बराबर का आटा ले लो, पिसाई के पैसे ना हो तो पैसे मत देना, या पुराने गेहूं का आटा ले लो 23 रुपए किलो, 23 रुपए किलो, और 5 किलो आटा लेने वाले को नमक की थैली फ्री, नमक की थैली फ्री, आटा ले लो 23 रुपए किलो, पुराने गेहूं का आटा ले लो 23 रुपए किलो, 23 रुपए किलो, या गेहूं से आटा बदल लो, पिसाई के पैसे ना हो तो पैसे मत देना। 23 रुपए किलो आटा है, पुराने गेहूं का 100% शुद्ध आटा, और साथ में 5 किलो आटा खरीदने वाले को यह आधा किलो की नमक की थैली मुफ्त दी जा रही है।
आटा 23 रुपए किलो, पुराने गेहूं का आटा 23 रुपए किलो। आप पैसे हो तो पिसाई के पैसे दे जाओ, वरना लॉकडाउन के बाद पिसाई के पैसे दे देना। ये थोड़ी दूरी बनाए रखो, मुंह पे कपड़ा बांधे रहो, हां जी मास्क लगाए रहो। पुराने गेहूं का आटा